قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि तुम पर आसमान से कोई अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम पर आसमान से अजाब नाजिल कर दे या ज़मीन से कोई अजाब निकाल दे, और ये अजाब भी तुम्हें दे सकता है कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दे, फिरका फिरका कर दे और आपस में लड़ा लड़ा कर तबाह कर दे, ये भी उसके अजाब की शक्ल है। देखो हम किस तरह तुम्हारे लिए आयात को फेरते हैं ताकि तुम समझो। मोहतरम सामेन और सामयात, अल्लाह तबारक व तआला हमें तबाह करने के लिए, सजा देने के लिए चाहे तो आसमान से अजाब नाजिल कर दे, चाहे ज़मीन से सैलाब आ जाएं, जलजले आ जाएं, ज़मीन फट जाए, जगह दे दे, और चाहे तो आपस में लड़ा दे, इसको भी अल्लाह ताला ने अजाब की एक शक्ल बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह आयत नाजिल हुई, कहा अल्लाह इस बात पर कादिर है कि ऊपर से अजाब आ जाए, आपने फरमाया अल्लाह मैं तेरे चेहरा मुबारक की कसम देता हूँ कि या अल्लाह हमारे साथ ऐसा ना करना। फिर कहा अल्लाह ताला ज़मीन से अजाब भेज दे, कहा अल्लाह ताला मैं आपके चेहरा अनवर की का वास्ता देता हूँ या अल्लाह ये अजाब हम पर ना आए। फिर फरमाया या फिर आपको आपस में टुकड़े टुकड़े करके लड़ा दे, तो फरमाया हाज़ा अहवन, ये उससे थोड़ा हल्का है, उसके बाद तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, बचने की शक्ल ही नहीं है, इसके बाद फिर भी बचने की शक्ल है, और आपस की लड़ाई में कुछ हमारे हाथ में है कि हम कोशिश करके उसको कम कर लें या ख़त्म कर लें, लेकिन वो जो पहली शक्लें हैं वो तो हमारे बस में नहीं हैं, ये थोड़ा आसान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर उस तरह का अजाब ना आए कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, सारी ज़मीन पर सैलाब आ गया, जो कश्ती में थे बच गए, बाकी सब बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसा अजाब कि सारी कौम तबाह हो जाए, पानी का अजाब, या अल्लाह ऐसा ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ कबूल फरमा ली। फिर दुआ की कि या अल्लाह मेरी कौम आपस में ना लड़े, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं की। हमारा क्या तसव्वुर है कि हमारा पीर जो है वो करने वाला है, जो कहता है हो जाता है। हमारा ये तसव्वुर है कि हमारा फलां पेशवा इमाम मौलाना पीर वो मुस्तजाबुद्दावात है, जो मांगता है मिल जाता है, उससे दुआ करवाओ रद्द नहीं होती। यहाँ पीरों के पीर हैं, इमामुल अंबिया हैं, वो हैं कि जिनसे ऊपर कोई नहीं है। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं की, इसलिए आपस की लड़ाइयां होंगी।
और ये तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बल्कि जब पैदा भी नहीं हुए थे, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने क्या कहा था, अतजअल फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकुद दिमा, आप ऐसे लोगों को बनाने जा रहे हैं जो खून बहाएंगे और फसाद मचाएंगे। या तो अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार ना देता, जिस तरह फरिश्तों को नहीं दिया, बस जो ऑर्डर हो गया वो करना है। इन्ना अरदना अल अमानत अल समावात वल अर्द वल जिबाल, हमने ये ऑप्शन दिया था आसमानों को, पहाड़ों को, जमीनों को, कि आप चाहो तो मेरी नाफरमानी कर सकते हो। कहने लगे ना जनाब, हमसे नहीं होता, हम तो इस पर चलेंगे कि आप हमें हुक्म दें और हम वो करें, आप मना कर दें तो हम रुक जाएं, हमारे पास नाफरमानी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। नाफरमानी का इख्तियार भी हो और फिर भी हम फरमा बरदारी करें, ये हमसे नहीं होता। पहाड़ खड़े हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से खड़े हैं। आसमान बगैर किसी सुतून के खड़ा है, यह अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ा है। अगर इसको इख्तियार होता, पहाड़ों को इजाज़त होती कि वो चाहें तो ज़मीन के किसी और इलाके में चक्कर भी लगा लिया करें, तो आपकी हालत क्या होती। उन्होंने ये ऑप्शन कबूल नहीं किया। वह हमारा हल इंसान, इंसान ने इसको कबूल कर लिया। इन हुकान ज़लूमन जहूला, कि आप हमें इख्तियार दे दें नाफरमानी का, फिर भी हम ताद करके दिखाएंगे। तो अजीज भाइयों, अगर इसको इख्तियार मिला है तो फिर इसकी तबीयतें मुख्तलिफ बनाई हैं अल्लाह ताला ने। मट्टी से इंसान बना और मट्टी मुख्तलिफ होती है, कोई सख्त पत्थरों की पत्थर भी मट्टी हैं, कोई सहरा हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ रेतली, कोई चिकनी मट्टी, तो कोई ज़मीन, कोई पहाड़ ऐसे हैं जहाँ से लावा निकलता है, वो भी मट्टी है। कहीं ज़मीन में चूने के पहाड़ हैं, कहीं जिप्सम के पहाड़ हैं, ज़मीन में सब कुछ ही है और उसी से हम बने हैं, इसलिए तमाम इंसानों की तबीयतें मुख्तलिफ हैं। सब एक जैसा सोचें, सब एक बात पर रहें, ऐसा मुमकिन नहीं। हर एक की सोच का जाविया अलग अलग है, हर एक का इल्म अपना अपना है, हर एक की तबीयत अपनी अपनी है, बाप एक है, औलाद में इख्तलाफ है। तो अगर हम ये कहें कि दुनिया में इख्तलाफ हो ही ना, तो फिर इसी शक्ल में हो सकता है कि अल्लाह ताला अपना इख्तियार वापस ले ले और हमें ऐसे चलाए जैसे फरिश्तों को चलाता है, तो फिर कोई इख्तलाफ नहीं होगा। जो अल्लाह फरमाएगा सब लब्बैक कहेंगे। और अगर हमें यह ऑप्शन दिया है, रहे हमारे पास, तो फिर भाइयों इख्तलाफ तो होगा, फिर उससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उसको एक लेवल से आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहिए। राय का इख्तलाफ मैं ये समझता हूं, वो समझता है, ये तो लाजमी है। सोच का इख्तलाफ, अप्रोच अपनी अपनी है, ये तो होगा। ये इख्तलाफ अगर तनाजे की शक्ल इख्तियार कर जाए, फिर नुकसानदेह होता है। अल्लाह अकबर, लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाए, बुगद और अदावत और दुश्मनी कीना सीनों में बैठ जाए, फिर ये नुकसानदेह होता है। अगर एक दूसरे का एहतराम भी बाकी रहे, दूसरे को इख्तलाफ करने का इख्तियार भी दिया जाए और उस पर सब्र और टॉलरेंस और हर किस्म का एहतराम उसका किया जाए और इख्तलाफ बाकी रहे, तो इसमें ये लाजमी है, ये ख़त्म नहीं हो सकता और इसका इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। अब इसको हमने मैनेज करना है, इस इख्तलाफ को, इस सोच के इख्तलाफ को हमने मैनेज करना है। हमने अपना भी ख्याल करना है, हमने दूसरे का भी ख्याल करना है।
मैनेज कर लिया तो ये इख्तिलाफ इख्तिलाफ रहेगा, तनाजा नहीं बनेगा, रंजिश नहीं बनेगी, कीना बुगज अदावत हसद ये चीजें नहीं आएंगी, तकब्बर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैनेज ना किया तो फिर आप जानते हैं दिया सलाई छोटी सी होती है जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं, छोटी सी गाली से कत्ल हो जाते हैं, छोटे 100 रुपए के कर्ज पर बंदे कत्ल हो जाते हैं। तो शैतान तबीयतों के इसी इख्तिलाफ को इस्तेमाल करते हुए इसको जंग और जदल और कीना और बुगद बनाना चाहता है। हमारा काम है कि इसी तबीयतों के इख्तिलाफ को एक लेवल तक रखें और आपस की मोहब्बत और आपस की यगानगत मशवरा इसको कायम रखें और इसको उस हद से आगे ना बढ़ने दें। ये अगर हद से आगे बढ़ गया तो ना इंसान दुनिया का ना दीन का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आपको कोई ऐसी चीज ना बता दूं जो नमाज और रोजे और इन इबादात से ज्यादा अफजल हो। नमाज, सदका, रोजे अहम तरीन इस्लाम के सुतून हैं, क्या कोई ऐसा काम ना बता दूं जो इससे भी अफजल हो। सुभान अल्लाह। साथी बड़े खुश हैं कि ये क्या बात हुई, तो बहुत ज्यादा अहमियत बयान की जाती है नमाजों की। ज़कात ना दे तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, इतनी अहमियत है ज़कात की। उधर वाली औरतें नमाज छोड़ दें तो दोबारा नहीं पढ़ती, रोजे छूटें तो दोबारा रखने पड़ते हैं, इतनी इसकी अहमियत है। लेकिन आज आप फरमा रहे हैं कि इससे भी कोई अफजल अमल है, क्यों नहीं है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप जरूर फरमाएं कि वो कौन सा अमल है जो इससे भी ज्यादा अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाह ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करवा देना, नाराज लोगों को जिनका आपस में रंजिश है, बुगद है, कीना है, परेशानी है, उनको पकड़कर बैठाना, दोनों को समझाना, मगजमारी करना, वक्त देना, कुर्बानी देना और उनको एक कर देना, ये इन सारी इबादात से ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया, वह फसाद ज़ातिल बैन ही अल हालिका, अगर इनको एक ना किया गया, सुलह ना करवाई गई तो फिर इनमें फसाद रहेगा, और फसाद मूंड देने वाली चीज है। और फरमाया, मैं नहीं कहता कि बाल मूंड देने वाली है, ये दीन को मूंड देने वाली चीज है। आपस का फसाद, इससे दीन मूंड दिया जाता है, दीन खत्म हो जाता है, दीन जड़ से उखेड़ दिया जाता है, ना दुनिया का इंसान रहता है ना आखरत का रहता है। पिछले साल गुजरांवाला में तकरीबन 16-17 कत्ल हुए हुए थे दोनों खानदानों के, आपके भाइयों के जरिए अल्लाह ताला ने सुलह करवाई। कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई MNA MPA ये काम नहीं कर सका, कई साल गुजर चुके थे। और हालत क्या होती है, जो जिंदा है वो भी अपना हर दिन आखिरी समझकर गुजारते हैं दोनों तरफ से। बड़े बड़े माल हैं, मरबों के हिसाब से जमीनें हैं, मगर किस काम की, इलाका छोड़ा हुआ है, छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत पूंजी है वो दूसरे की रैकी पर लग रही है, बदमाशों को पालने पर लग रही है, अपनी सिक्योरिटी पर लग रही है। न दीन न दुनिया, कुछ भी बाकी नहीं रहता जब आपस में फसाद होता है और जब सुलह हो जाती है। अल्लाह ताला दुनिया भी अता करता है, अल्लाह ताला दीन भी अता करता है। फरमाया, वह फसाद ज़ातिल बैन ही अल हालिका, आपस की नाराजगी, दुश्मनी, कीना, ये मूंड देने वाली चीज है। और मैं नहीं कहता कि ये बाल मूंड देने वाली चीज है, ये दीन को मूंड देने वाली चीज है। अल्लाह अकबर। झूठ कितना बड़ा नासूर है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करवाने के लिए उसको भी रवा रखा। इधर जाओ आप कहो वो तो आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखता है,
उधर जाओ कहो वो तो आपके बारे में बड़ा अच्छी राय रखता है, वो तो फलां के सामने आपको बड़े अच्छे लफ्जों में याद कर रहा था। इस तरह की बातें करके उनको करीब करना, शैतान हार जाए, रहमान की बात जीत जाए। जो ये काम करता है फरमाया वो नमाज रोजों और सदकात से भी ज्यादा अफजल है। तो इख्तलाफ लाजमी है, होगा, लेकिन उसको हद से बढ़ने ना दो। किसी अखलाकी दायरे के अंदर रहने दो उसको, वरना वो फिर जंग बन जाती है। वो जमातों की जंग हो, वो खानदानों की जंग हो, वो अफराद की जंग हो, वो हुकूमतों की जंग हो, इसी तरह बनती है। ये महीने हुरमत वाले महीने शुरू हैं, हुरमत वाला महीना रजब है, ये इस बात का तकाजा करता है कि हर किस्म की रंजिशें ख़त्म कर दी जाएं और नाराज लोगों को पकड़कर सुलह करवाई जाए, दिलों के कीने कदूरते निकाल दी जाएं। ये महीना इस बात का तकाजा करता है कि मजीद किसी और से लड़ाई और जंग ना शुरू की जाए। ये हुरमत वाला महीना है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना में, औस और खजरज की 40-40 साल तक लड़ाइयां जारी थी। छोटी सी बात से उन्होंने उनका कत्ल कर दिया, उन्होंने उनका कर दिया, उन्होंने दो कर दिया, उन्होंने तीन कर दिए। 40 साल गुजर जाते थे एक एक लड़ाई पर, खानदान फारिग हो जाते थे। आपने उनको एक किया। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लफ बैन कुलूबिहिम लौ अनफक्त मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम। आप अगर सारी जमीन की दौलतें खर्च करके इनको एक करना चाहते तो आप नहीं कर सकते थे जो काम मैंने मुफ्त में कर दिया। इस आयत से साबित होता है कि आपस की मोहब्बत, यगानगत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, ये सारी कायनात की दौलत से ज्यादा कीमती। और जहां नाराजगी, कुदूरतें, अदावतें, दुश्मनियां चलती हैं, उनकी सारी दौलतें भी जीरो हैं, किसी काम की नहीं। और जहां मोहब्बत है वो गरीब भी हैं तो बेताज बादशाह हैं। इतनी कीमती चीज है ये आपस की मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, लोग आएंगे, बेलिबास होंगे, सूरज करीब होगा, धूप में भुन जल रहे होंगे, पसीनों में कोई डूब रहा होगा, कोई घुटने तक, कोई टखने तक। इतने में अल्लाह ताला का ऐलान आएगा, ऐनल मुतहाब्बून बि जलाली, मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं। अल्लाह यानी फरमाएगा हर साल रमज़ान में रोज़े रखने वाले कहाँ हैं, पहली सब के नमाजी कहाँ हैं, हर साल उम्रा करने वाले कहाँ हैं। यह नहीं फरमाएगा तहज्जुद गुजार कहाँ हैं। अल्लाह फरमाएगा जो आपस में मेरी वजह से मोहब्बत करते थे वो कहाँ हैं, या अल्लाह उनसे क्या बात करनी है। फरमाया अल यौम उज़िल्लुहुम यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मैं उनको अपने अर्श का साया दूंगा कि मेरे अर्श के सिवा कोई साया नहीं है। और 50,000 साल की जिंदगी दुनिया धूप में काटेगी और ये मेरे मेहमान मेरे अर्श के नीचे होंगे। क्या नेकी की है उन्होंने। कहा जी आपस में मोहब्बत करते थे, लड़ते नहीं थे, नफरत नहीं रखते थे, कुदूरत नहीं रखते थे। अल्लाह अकबर। लोग कीना परवरी करते हैं, कीने की परवरिश करते हैं। किसी से कोई बात हो गई, इसने जेब में डाल ली, एक और हो गई, हाँ इसने फला मौके पर भी किया था, दो हो गई, एक और हो गई, हाँ इसने फला मौके पर भी किया था, तीन हो गई, कभी मौका आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, मैं सारा ब्रश निकाल दूंगा, जितनी बातें इसकी सारी निकाल दूंगा। कुड़ता रहता है, जलता रहता है, इसने ये किया, इसने वो किया, फिर जो नहीं भी किया वो भी इसी ने किया, फिर बदगुमानियां आ जाती हैं, फिर शैतान खेल जाता है बीच में, जो नहीं भी किया तो वो भी उसी ने किया होगा, इसलिए कि फला मौके पर इसने ये किया था। अल्लाह अकबर। कीना पालता रहता है, कुर्ता जलता रहता है, नमाजों में रब की बजाय उसी का ख्याल आता है, नींद में भी उसी के ख्वाब आते हैं,
क्या फायदा है इसको, इस अंगारे को निकाल कर फेंक दो भाई, ये अंगारा होता है, ये आग होती है। दलील दे दूं, जब वो उसको निकालता है गाली की शक्ल में तो वो अंगारा दूसरे में मुंतकिल हो जाता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। हाथ नहीं लगाया उसको, कुछ नहीं किया, वो अंगारा निकाल के उसकी तरफ फेंक दिया, अब वो जलने लग गया, वो लाल पीला हो गया। तो अगर उसको उसके ऊपर फेंकने को फिर वो उसको डबल करके इधर वापस कर देता है, फिर ये लाल पीला हो गया, तो फायदा क्या है इसको उसके ऊपर डालने की बजाय जमीन पे डाल दो, इसको निकाल कर फेंक दो, खत्म ही कर दो। आज इसको निकाल दोगे तो आज जन्नत के मुस्तहक बन जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मुसनद अहमद की हदीस है, फरमाया अभी एक शख्स आएगा उसने जन्नत में जाना है, अगले किसी दिन फिर इसी तरह बैठे हुए थे, फरमाया आज एक शख्स अभी आएगा उसने जन्नत में जाना, वो सेम आदमी था। फिर एक दिन फरमाया आज एक शख्स अभी आएगा उसने जन्नत में जाना है, फिर सेम वही आदमी आ गया। साथी हैरान है कि अबू बकर उमर तलहा जुबैर के लिए तो एक बार जन्नत की बिशारत, इसके लिए तीन बार, ये करता क्या है? उसके आमाल को टटोलना शुरू किया, कोई बात समझ नहीं आई। फिर एक साथी कहता है मैं आपके घर में रात रहना चाहता हूं, बताया नहीं उसको, देखने के लिए कि रात के अंधेरे में ना जाने क्या रब से बातें करता है, क्या इबादत करता है। रात भी उसकी रूटीन की थी, कोई खास इबादत नहीं की। फिर आखिरकार उसने पूछा कि तू करता क्या है, तेरे बारे में तीन दफा बिशारत आई है जन्नत की। कहने लगा बस मैं देख तो लिया तूने, मेरा दिन भी देख लिया, मेरी रात भी देख ली, बस मैं सिर्फ एक काम करता हूं कि सारा दिन काम काज मिलना जुलना रहता है, किसी की रूखी किसी की फीकी सुनता रहता हूं, दिल में नफरत कुदूरत अदावत दुश्मनी कीना गुस्सा भी आता है, लेकिन जब सोने लगता हूं तो एक लम्हे के लिए गौर करता हूं किस किस ने आज मुझे बुरा कहा, किस किस की बात आज मुझे बुरी लगी, उसके बाद उसको माफ करके सोता हूं, किसी का कीना सीने में लेकर मैं सोता नहीं। ये कीना निकल गया तो आज जन्नती है, कीना नहीं निकला, नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, हज कर ले, खैरात कर ले, जिहाद कर ले, कुछ कर ले, सीने में है तो ये जन्नती नहीं है। कीना मुसलमान के खिलाफ सीने में है तो ये जन्नती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया 50,000 साल का मरहला गुजर जाएगा, कई हजार साल या 100 साल अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह हिसाब ही शुरू नहीं करेगा, दुनिया परेशान रहेगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शफाअत पर हिसाब शुरू होगा, फिर बारी जानवरों का भी हिसाब होगा, जिन्नों का भी होगा, इंसानों का भी होगा, बारी कब आती है, इंतजार में रहेगा, बारी आ गई सीधे हाथ में अमालनामा मिल गया, फिर न जाने कितनी देर लगेगी। उसके बाद फिर पुल सरात से गुजरना होगा, उसके बाद फिर जन्नत का फैसला होगा। फरमाया ये सारे मरहले तय करके अब ये जन्नत की तरफ जा रहा है, सीधे हाथ पे अमालनामा भी मिल गया, पुल सरात भी क्रॉस हो गया, सामने जन्नत का दरवाजा नजर आ रहा है, ठंडी हवाएं और खुशबुएं आ रही हैं, बड़ा खुश है कि अब मैं जन्नत में जा रहा हूं। फरमाया दरमियान में एक चोटी सी आएगी, कंतरा उसका नाम है, वहां पर एक चेक पोस्ट होगी जहां सीने स्कैन किए जाएंगे, जिसके सीने में कीना उसको साइड पे कर लिया जाएगा, तू नहीं जा सकता, जहां जा रहे हो वहां कीना नहीं जाता। وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ, वहां नहीं जा सकते, साइड पर हो जाओ, साइड पर कर लिया, इसको इसके खिलाफ, उसको इसके खिलाफ, दोनों साइड पर हो गए, अब क्या करेंगे, अब यही भी माफी तलाफी करेंगे और क्या करेंगे। मैं हत्ता इदा हुद्दबू वनुक्कू,
जब इनकी तहजीब हो जाएगी, जब इनको साफ कर दिया जाएगा, सीने पाक हो जाएंगे, मुआफ़ी तलाफी हो जाएगी, फिर उनको जन्नत में जाने की इजाज़त मिलेगी। तो इतनी देर संभाल कर रखने का क्या फ़ायदा हुआ? उसी वक्त निकाल देते, उसी वक्त जन्नत मिल जाती, इतनी देर लगा दी तूने। तो भाइयों, ये महीने और खुसूसन ये रजब तकाजा करता है कि दूरतें निकाल दो मुसलमानों के खिलाफ। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। कई लोग नाराज होकर उकता चुके होते हैं, दोनों ही उकता चुके होते हैं, दोनों ही तंग पड़े हुए होते हैं उस नाराजगी से, मगर नाक नहीं रहती। झूठी इज्जत, गैरत, शैतान का बहकावा उनको करीब नहीं आने देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह खैरहुम अल्लज़ी यब्दौ बिस्सलाम, उनमें से जो पहल करेगा उसको मैं मोहम्मद अच्छा कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको शाबाश कह रहे हैं जो इस्सलामु अलैकुम में इब्तिदा करता है, उसको अच्छा कह रहे हैं। और अगर फिर भी हिम्मत नहीं होती तो फिर जो तीसरे चौथे लोग हैं उनको चाहिए, वो भी वो गुस्से के साथ पक चुके होते हैं, वो भी आना ही चाह रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, मगर खामखा की अड़ी, खामखा का एक भरम रखने के लिए कि कोई आए और हमें एक कर दे। तो भाइयों, रोज़ों और नमाजों और सदकात से बड़ी नेकी मुसलमानों को, आपस में नाराज लोगों को एक करना है, उनकी सुलह करवानी है, हमें ये काम करना चाहिए। कोई पैसा नहीं लगता, हमें यह काम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज में सुलह करवा दी, वो एक हो गए। फिर एक दिन क्या हुआ, अब्दुल्लाह बिन उबई यहूदी, ये मुनाफिकों का रईस, इस जालिम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर इल्ज़ाम लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर की इब्तदाई आयात नाजिल करके हजरत आयशा को तो पाक करार दे दिया, लेकिन जिसने इतनी जुर्रत की थी उसको भी तो कोई सजा मिलनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, औस और खजरज को जमा किया। ये खजरज का आदमी था, ये खजरज का आदमी था। औस और खजरज को जमा किया, फरमाया, मैं याज़ुरुनी फी रजुलिन आज़ा रसूलल्लाह फी अहले, अगर उस शख्स को मैं कत्ल कर दूं जिसने नबी को तकलीफ दी है उसकी बीवी पर इल्जाम लगाकर, तो कौन मेरे इस फैसले को जस्टिफाई करेगा? इब्तदाए इस्लाम था, हुकूमत इतनी मुस्तहकम नहीं थी कि बस ठीक है फैसला हो गया और होगा और बस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मक्का की जिंदगी में कमजोर मुसलमानों के लिए सीरत है। हिजरत करके आए तो बेघर मुसलमानों के लिए सीरत है, आकर इस्लामी हुकूमत की दाग बेल डाली तो कमजोर हुकूमतों के लिए उसमें सीरत है, फिर मजबूत हो गए तो मजबूत मुसलमानों के लिए उनको सीरत है। हर मरहले के लिए आपकी जिंदगी में सीरत है। अभी हुकूमत कमजोर है तो औस वाले हजरत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये कौन सी बात है, आप हमें हुक्म दें, आप क्यों करेंगे, हम करेंगे, आप बताएं, हमारे कबीले का है तो मैं उसकी गर्दन काटता हूं। खजरज में साद बिन उबादा थे, वो कहने लगे, तूने ये बात इसलिए की है कि तुझे पता है वो तेरे कबीले का नहीं है, अगर तुझे पता होता वो तेरे कबीले का है तो ऐसी बात नहीं करता। उधर से उठा है, कहता है तू मुनाफिकों का साथ देता है, उधर से एक उठा, उसने उसको बात कर दी। करीब था कि इनमें वो पुरानी रंजिश दोबारा ताजा हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ठंडा किया और अब्दुल्लाह बिन उबई को सजा नहीं दी। तो अजीज भाइयों, सिर्फ सुलह करवाना ही काम नहीं, फिर उसको पालना भी चाहिए, फिर अपने रवैये में एहतियात भी लानी चाहिए कि हमारे किसी कॉल या हमारे किसी फेल से मुसलमान आपस में नाराज ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे किसी रवैये से
हमारे किसी अच्छे काम से, हमारी किसी अच्छी बात से मुसलमान नाराज ना हो जाए। बुरी बात करके लोगों को नाराज करना तो बड़ी गंदी बात है, गलत काम करके लोगों को आपस में इंतशार का शिकार करना तो बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूं अच्छी बात करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का तन सर से जुदा होना चाहिए नहीं? आपने तो अच्छी बात की थी ना, लेकिन जिस वजह से उम्मत में परेशानी आती हो वो बड़े से बड़ी मसलहत को भी उन्होंने छोड़ दिया, ताकि इनका एक का, इनकी यगानगत, इनका इत्तेफाक, इनका इत्तेहाद वो पारा पारा ना हो। तो हमें नाराजों को राजी भी करना चाहिए और अपने रवैये से, अपने कॉल से, अपने फेल से, अपनी बुरी बात से, अपनी अच्छी बात से लोगों को नाराज होने से भी बचाना चाहिए। हमें इस बात की फिक्र रहनी चाहिए कि कहीं मेरे किसी कॉल या फेल से किसी के दिल में मेरे बारे में ऐसी चीज ना पैदा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत सफिया, उनसे बातें कर रहे हैं, इतकाफ पर बैठे हुए हैं, खाना आया, बात खत्म नहीं हुई तो वो जा रही हैं अपने घर, तो मस्जिद नबी के दरवाजे तक पहुंचे तो दो आदमी गुजरे, मगर उनके बाद तो अंधेरा हो जाता है। तो जब वो करीब से देखा तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के साथ खड़े हैं, तो जल्दी जल्दी कदम उठाकर निकल गए, शर्मा गए। आपने फरमाया बात सुनो। जी, फरमाया ये मेरी बीवी सफिया है। कहने लगे हजरत ये वजाहत की क्या जरूरत थी? फरमाया कहीं शैतान तुम्हारे दिल में कोई गलत बात डाल दे, तुम्हारा ईमान बर्बाद ना कर दे। तो हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल करना है और लोगों के ईमान का भी ख्याल करना है, उम्मत के इत्तेहाद का भी ख्याल करना है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बनी इसराइल करके मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात करने तूर पर जाते हैं, वापस आए तो आधी बनी इसराइल बछड़े की पूजा कर रही है और आधी अल्लाह तबारक व तआला की कर रही है। इतना गुस्सा आया, मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियां उनके पास थी फेंक दी, अलकल अलवाह व अखद बिरास अखीह यजरहु इलैह, अपने भाई हारून को एक हाथ से सर के बाल पकड़ लिए, दूसरे से दाढ़ी पकड़ के खूब हिलाया उनको। ये क्या किया तूने, तेरे होते हुए शिर्क करने लग गए, बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। कहने लगे ला ताखुज बिलहियती वला बिरासी, भाई जान ना मेरा सर पकड़ो ना मेरी दाढ़ी पकड़ो, इन्नी खशीतु अन तकूला फर्रक्त बैन बनी इसराइल वलम तरकुब कौली, मैंने इन पर सख्ती नहीं की, समझाया जरूर था, सख्ती इसलिए नहीं की कि आप वापस आकर मुझे इस बात पर ना डांटो कि तूने तो मेरी कौम को दो कर दिया है। अगर मैं सख्ती करता तो दो जमातें हो जाती। मैं इस बात से डर गया कि कहीं ये दो ना हो जाएं, एक रखने के लिए मैंने इन पर सख्ती नहीं की और आपके आने का इंतजार था, अब हम इनको समझा लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा मक्के वालों ने जब काबतुल्लाह की तामीर की थी, आपको याद होगा हजरे असवद नसब करने का झगड़ा हो गया था और आपको उन्होंने फैसल बना लिया था, अभी नबूवत नहीं मिली थी, फरमाया उन्होंने शर्त लगाई कि काबतुल्लाह की तामीर में हलाल कमाई लगेगी, हराम नहीं लगेगी। हलाल का चंदा कम पड़ गया, उन्होंने बैतुल्ला को छोटा कर दिया। इस वक्त जो एक साइड में दायरा सा है, आधा दायरा, उसमें से जितना हिस्सा सीधा सीधा जाता है तकरीबन तीन सफ़े, वो बैतुल्ला का हिस्सा है, वो उन्होंने छोटा कर दिया और ऊंचा इसलिए कर दिया कि चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए होगी तो हमारी इजाजत के बगैर कोई चढ़ेगा नहीं, और जो दरवाजा इस वक्त मौजूद है इसकी बिल्कुल सीध में दूसरा दरवाजा था, लोग इधर से दाखिल होते उधर से निकल जाते थे, तो उन्होंने वो दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि हमारी इजारादारी रहे। तो फरमाया आयशा,
अगर तेरी कौम के बिदक जाने का खतरा ना हो, उनके फितने में पड़ जाने का खतरा ना हो कि ये नबी अलैहिस्सलाम आए हैं उन्होंने पकड़ के कावा ही गिरा दिया, तेरी कौम के इंतशार का शिकार हो जाने का खतरा ना हो तो मैं काबा को गिराकर दोबारा कवायदे बुनियादें इब्राहिमी बुनियादों पर खड़ा कर दूं और इसके दो दरवाजे बना दूं और इसको नीचे कर दूं, इसकी जो उसके दरवाजे को बुलंद किया गया है इसको भी नीचे कर दूं, लेकिन मुझे डर है कि आपकी कौम बितक जाएगी, इसलिए मैं इतनी बड़ी मसलहत को इग्नोर कर रहा हूं ताकि कौम में इंतशार ना आ जाए। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, इख्तलाफात के बावजूद एक इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। इस वक्त पूरी उम्मत इस्लामिया के सामने जो सबसे बड़े चैलेंज हैं वो उन काफिरों के हैं जिनके हाथ में गन नहीं, जिनके पास टैंक नहीं, जिनके पास जहाज नहीं, जिनके पास मिसाइल नहीं। इस वक्त हम सबसे ज्यादा उनसे डर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा टफ टाइम हमें वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जब उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास फौज नहीं, इसलिए कि वो सारे आपस में इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की अपनी फौज किसी मुल्क के फौज का मुकाबला नहीं कर सकती, वो तो उधारे होते हैं, दूसरों से लिए गए होते हैं, मगर वो मुल्कों का इत्तेहाद है। अभी ये जो मईशत के हिसाब से टास्क फोर्स बनी है, 34-35 मुल्क हैं, इन्होंने भी मुसीबत डाली हुई है, इनके पास भी कोई फौज नहीं, कोई असलाह नहीं, कुछ भी नहीं, इत्तेफाक है, बाजू में बाजू डालकर बैठे हुए हैं और जिस मुल्क को चाहते हैं घुटनों घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं, ये करो वो करो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इत्तेफाक और इत्तेहाद है, कुफर पर है, कुफर पर है, शिर्क पर हैं, जुल्म पर हैं, नहत्ते हैं, मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हैं तो पकड़ के जिसको चाहते हैं झुका लेते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, हमें बरादरियों के लेवल पर, खानदानों के लेवल पर, जमातों के लेवल पर इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। और अल्लाह ताला का फरमान है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की बात मानो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और अपने अमीर की बात मानो। फैन तनाजा तुम फी शई, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, फरुद्दुहु इलल्लाह व रसूल, उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो। कुरान को फैसल मान लो, उसका फैसला मान लो, झगड़े खत्म हो जाते हैं। ज्यादा इख्तलाफात जहालत की वजह से होते हैं, जब इल्म आ जाता है तो जहालत खत्म हो जाती है तो ये झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े बड़े फतवे, फलाने फलाने के पीछे नमाज पढ़ ली, उसका ईमान भी जाता रहा, उसका निकाह भी जाता रहा, यह उम्मत को इंतशार का शिकार करने वाली बातें हैं। यह उम्मत फतवों की मोहताज नहीं, यह उम्मत किसी खैर खा की मोहताज है जो इनको समझाए, जो इनको एजुकेट करे, जो इनको समझा कर अल्लाह के रास्ते पर लेकर आए, उसकी जरूरत है, फतवों की जरूरत नहीं है इनको। और तजर्बे की बात है कि इनको समझाया जाए तो लोग समझ जाते हैं, फतवेबाजी की जाए तो लोग इंतशार का शिकार होते हैं। तो अजीज भाइयों, आपस में एक घर के अंदर भी, खानदानों के बीच में भी, जमातों और तंजीमों के बीच में भी, जहां जहां भी इंतशार की शक्ल है, जिस जिसका बस चलता है वो आगे बढ़े और इस महीने के पैगाम को लेकर जाए और लोगों में सुलह करवाओ, मोहब्बत का पैगाम दो, नफरतों को ख़त्म करो। इसी में उम्मत का फ़ायदा है, इसी में अफराद का फ़ायदा है, इसी में जमातों और ख़ानदानों का फ़ायदा है। और इंतशार और इफ्तराक जो है वो उम्मत के लिए इतना नुकसानदेह है कि किसी दुश्मन ने इतना नुकसान मुसलमानों का नहीं किया जितना इनकी आपस के इंतशार ने किया है। रब्बुल जलाल वल इकराम आपस की मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। रब्बुल जलाल जिस तरह मदीने के लोगों को अल्लाह ने एक किया था, अल्लाह इस उम्मत को भी एक कर दे। रब्बुल जलाल जो इस वक्त सियासी एतबार से और दीनी एतबार से ये
مسلمانوں کے انتشار کی شکل ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, یہ عذاب ہم سے ٹال دے اور ہمیں ایک مشت بنا دے, ایک ہاتھ کر دے, ایک ہاتھ ایک جماعت بنا دے. و اللہ تعالی عالم, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. یہ خوشی کی بات ہے, دو خاندانوں میں صلح ہوئی ہے اور انہوں نے آج آپ سب کی ضیافت کا انتظام کیا ہے جمعے کے بعد. اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا کرے, مزید محبت دے,